यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर गॉस लॉ का एप्लीकेशन बताने के लिए आया। व्हाट इज द मेन एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस लॉ। वैसे गॉस लॉ का छोटा मोटा एप्लीकेशन हम तुरंत समझ सकते हैं, लेकिन उस जगह पर जहाँ पर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या कैसे उसकी एप्लीकेशंस करते हैं, ये उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो आज का जो टॉपिक हमारे हैं इसके ऊपर क्या सारांश हो जाएगा, एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस लॉ फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। इसकी थ्योरी मैंने आपको नहीं बताया था, नॉन यूनिफॉर्मली का नहीं बताया था, मैंने आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का बताया था। आज हमारा डिस्कशन हो रहा है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाल रहे हैं। तो थ्योरी भी एक साथ है और प्रॉब्लम्स भी एक साथ है। ये रहा आपका वो पहला क्वेश्चन, क्या कहता है, ए सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर कभी कंडक्टिंग नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, अगर ये कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज टॉप पर चला जाएगा। तो ए सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज ए नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। बहुत महत्वपूर्ण हो गया, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, वहां पर यूनिफॉर्म नहीं है। वेरीज अकॉर्डिंग टू आर, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक्सप्रेशन भी दिया हुआ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर ये रो का मतलब आप देख सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ए आर स्क्वायर, वेर ए इज ए कॉन्स्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस है, हम देख चुके हैं आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से लेना है। वेर इज विथ आर अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन हो गया, एंड स्मॉल आर इज लेस देन आर इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। एक बात और भी है, हम लोग इस बात को ध्यान देंगे कि आर इज ए लेस देन आर। पहले केस में व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये जो फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करेंगे वो किसके केस के लिए हो जाएगा, रो इक्वल टू ए आर स्क्वायर के लिए हो गया। लेकिन अगर ये पूछता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर, तो आपका पहला और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से आप लेना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, आपसे पूछता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्पष्ट बात हो गया। कहाँ के लिए पूछता है, तो आर इज स्पेशली ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब क्या हो गया, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट पी वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाउंड इन आउटसाइड द पेरिफेरी ऑफ द स्फीयर। मैं आपको यहाँ फिगर से स्पष्ट करता हूँ, ये देखिए ये आपके पास क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, इसके पास नॉन यूनिफॉर्म है, एक समान नहीं है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से, और आपको कहता है बाहर निकालने के लिए इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कहता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आर इज ग्रेटर देन आर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप क्या कीजिएगा, गॉस लॉ को लीजिए, देखिए मैंने गॉस लॉ को अप्लाई कर दिया यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपके पास एक छोटा सा एरिया हो जाएगा डी, हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का इस साइड जा रहा है। तो अप्लाइंग द गॉस लॉ अगर लिखा जाए तो आप क्या देते हैं बच्चे को, ई डॉट डी ए बेहतरीन इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस एंड क्यू इन क्लोजर बाई एप्सिलॉन। डी ए तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, क्यों डी आप आराम से निकाल लेंगे, भैया इसकी सेंटर ये है और इसकी रेडियस यहाँ पर आर है, दिस इज द आर, और इस आर के लिए आप देख सकते हैं इसका अपना रेडियस क्या है, इस स्फीयर का अपना रेडियस यहाँ से यहाँ तक है कैपिटल आर। तो आउटसाइड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये वाला कौन सा सरफेस है, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है, दिस इज ऑल अबाउट द गॉसियन इमेजिनरी सरफेस, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। तो चलिए गॉसियन इमेजिनरी सरफेस है ई डॉट डी, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कैलकुलेशन में, व्हाट इज द इनक्लोजर चार्ज, क्योंकि ये आसानी से नहीं निकलेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है डेंस वॉल्यूम डेंसिटी है वो डिस्टेंस आर पर निर्भर करता है, और आर का वैल्यू कहाँ तक है इस बात को आप ध्यान दे के जाइएगा अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन आर इस पर, लेकिन ये लागू कहाँ तक होगा, वेन आर इज लेस देन आर, ये बात दिया होगा, बाहर आप नहीं जाइएगा, तो हम लोग आर लेस देन आर के लिए है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस पूरे से स्फीयर में टोटल चार्ज कितना है, तो आपके पास क्या निकालना पड़ेगा इस पूरे इक्वेशन में, फाइंड किस चीज के लिए चार्ज इनक्लोज्ड
in non-uniform sphere, non-uniform distributions है sphere, non-uniform charge spheres में निकालना। कैसे निकालेंगे ये आपके ट्रिक थोड़ा सा काम करना होगा। लेट अस सपोज dq, किसमें dq लेगा ध्यान से देखिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, इसको हम अलग से फिगर दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास इसकी रेडियस कितना है कैपिटल R, आप एक छोटा सा सेक्शन ले लीजिए। लेट अस कंसीडर दिस, कंसीडर ए थिन सेक्शन ऑफ थिकनेस, कंसीडर ए थिन सेक्शन ऑफ थिकनेस, इसकी थिकनेस dr एट ए डिस्टेंस r, ये तो dq का जो हम लोग निकालेंगे अब कैसे निकाल जाएगा ये देखिएगा। dq, व्हाट इज dq, चार्ज इंक्लोज्ड इन ए थिन सेल। कैसे निकालेंगे, पहले उसकी आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया 4πr2, और किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू dr। एक बार फिर से देख लीजिए dq क्या है, चार्ज यहां पर dq के बारे में क्या, व्हाट इज dq, चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड कहां पर, इन सेल, इन थिन सेल। वो थिन सेल कितना है ऑफ थिकनेस dr एट ए डिस्टेंस r, ये लिखना जरूरी है ताकि आप बेहतर समझ सके। इसलिए हमने उसकी सरफेस एरिया इसका कितना ले लिया, इसकी सरफेस एरिया 4πr2, और इसकी थिकनेस dr इस पर, ये वॉल्यूम हो गया, ये चार्ज पॉइंटेड वॉल्यूम हो गया। अब यहां पर बहुत आसान होता हुआ आपका क्या वैल्यू पुट करना है, रो के जगह पर ar2, पुट द ar2 4πr2 इंटू dr, इसको हम लोग dq कह सकते हैं। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें कहां से कहां तक ले लेंगे, लेट अस कंसीडर ये मिनिमम r का वैल्यू कितना हो सकता है 0, और ये r का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है r। इस सेल की जो वेरिएशंस होगी, मिनिमम रेडियस 0 हो जाएगा और मैक्सिमम रेडियस r हो जाएगा, तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं 0 टू r पर निकाल लेते हैं एट एनी पोजिशन, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास छोटा सा चार्ज q हो गया, कौन सा, इसके अंदर की बल्क चार्ज हो गया, ये q वाला कौन सा चार्ज हम ले लिए q, कहां से कहां तक ले लिए 0 से r तक का, तो 0 से r तक में वो q हो गया। q क्या हो गया, इस छोटे से गोला के अंदर बल्क चार्ज, पूरे का नहीं अभी है, क्या क्या कांस्टेंट हो जाएगा 4π a बाहर आ जाएगा, r4 हो जाएगा, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो r5/5 हो जाएगा, r5/5, और इसको इंटीग्रेट करना ऑब्वियसली लिमिट हमने पूरा का नहीं निकाला, आधा का ही निकाला, तो व्हाट इज द चार्ज इन ए स्मॉल स्फीयर 4πa r5/5, ये हमारे पास वह चार्ज हो गया जो स्मॉल r रेडियस तक ही सीमित है। लेकिन अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज में 4πa, अब स्मॉल रेडियस के बदला आप अगर बड़ा वाला रेडियस कैपिटल रेडियस ले लेते हैं तो पूरा चार्ज निकल जाता, तब आपके पास क्या आ जाता r5/5। तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे हम लोग जरूरत के मुताबिक कि अगर आपको टोटल चार्ज निकालना रहेगा तो इसकी निकाल लेगा। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर यहाँ पर हम लोग पुट करें तो मेरा वो चीज़ निकल जाएगा, बल्कि एक चीज़ को निकल भी गया होगा, वॉट इज क्यू टोटल चार्ज, आइए टोटल चार्ज निकाल लीजिए, वॉट इज द टोटल चार्ज 4πa/5πr5πa, तो मेरे ख्याल से ये वाला इक्वेशन आ रहा है 4π a r5, यस करेक्ट आंसर सर। तो आपने ये देखा कि व्हाट इज द टोटल चार्ज इन ए नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये निकल गया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप इसके लिए तैयारी कर लीजिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने फोकस किया, बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन का। ए का मतलब कितना हो जाएगा बच्चे, हम कहाँ पर निकाल रहे हैं, आउटसाइड निकाल रहे हैं, तो आउटसाइड निकाल रहे हैं तो इसका आप कौन सा सरफेस लीजिएगा, आउटसाइड का लीजिए क्योंकि गॉसियन सरफेस का आपको एरिया लेना है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 4πr2, इसीलिए कि बाहर गॉसियन का रेडियस r है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, ऑब्वियसली 0 डिग्री है, और q इनक्लोजर कितना है 4πa r5/5,
इसलिए आपके पास अब निकल जाएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास निकल गया, क्या आ गया ए आर 5/5 एंड ऑफ कोर्स आर स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ के लिए हो गया, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर। तो इसके हिसाब से निकाल लीजिए मेरे पास क्या आ गया ए आर 5। अच्छा इसमें एक चीज छूट गया था, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इप्सिलन नॉट हमारा छूट गया था, तो यहाँ पर एक टर्म को और भी ऐड कर दीजिए इप्सिलन नॉट, तो क्यू इनक्लोजर बाय इप्सिलन नॉट है, मैं क्यू इनक्लोजर लिया। अब अगर इसके हिसाब से लेते हैं तो कितना आ जाएगा ए 5/5 आर स्क्वायर। सो बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर भी बी आंसर करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज द चार्ज, ये तो हो गया। थर्ड पार्ट क्या कहता है, फॉर आर लेस देन आर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस तो आ जाइए फॉर आर लेस देन आर। अब थर्ड बात पर जरा फोकस कीजिए, तो क्या कहता है थर्ड केस के लिए कि इनसाइड आर लेस देन आर का मतलब हो गया इनसाइड स्फीयर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। फोकस करना, करना क्या, गॉस लॉ बनाएंगे, कहां पर गॉस लॉ बनाएंगे, ऐसे ले लेंगे, इस बार देख लीजिए यहीं पर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्मॉल आर और यहां पर स्मॉल आर लेस देन आर मतलब इनसाइड स्फीयर। गॉस लॉ का प्रयोग वही हो जाएगा, ई एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई इस बार आर स्क्वायर एंड कॉस 0 डिग्री डायरेक्ट हमने कर दिया। क्यू इनक्लोजर कितना हो जाएगा, क्यू इनक्लोजर जो इसमें आया था इनक्लोजर वाला में उसी का स्मॉल आर कर दीजिएगा 4/5 पाई ए 4/5 पाई ए एंड आर का पावर 5। और आपका यहाँ पर एक इप्सिलन नॉट भी मल्टीप्लाई करना, अब इससे आपको बहुत सारा चीज निकल जाएगा, क्या क्या कैंसिल हो गया 4 पाई एंड 4 पाई इज नेगेटिव कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर 5 तो आर क्यू हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज कितनी आ जाती है ए आर क्यू 5 इप्सिलॉन नॉट। हम लोग ये कह सकते हैं दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। इस ऑप्शंस में कोई नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शंस में हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर लिख दें तो हमारे पास आ जाएगा ए आर क्यू डिवाइडेड बाई 5 इप्सिलॉन, नॉन ऑफ दीज आंसर करेक्ट है, लेकिन वास्तविक आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ए आर क्यू 5 इप्सिलॉन, ए स्मॉल आर क्यू 5। तो इस तरह से हमने इस सवाल को आराम से बना दिया, नन ऑफ दीज पर भी ध्यान रखना रहता है, कभी कभी उससे भी चॉइस टाइप कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसका इनर कॉन्सेप्ट को भी लेना है, क्या कहता है, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए बॉल ऑफ रेडियस आर, एक बॉल है और इसकी रेडियस क्या है आर, कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू। तो यहाँ पर इसमें क्लियर कट दे रहा है कि इस रेडियस के अंदर वो चार्ज क्यू है एंड द सराउंडिंग स्पेस फिल्ड विद ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और क्या कहता है इसको सराउंड कर दिया गया और वो एक नया चार्ज से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, इसके ऊपर एक नया चार्ज है और वो नेचर कैसा है स्पष्ट बता रहा है, सराउंडेड बाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, वेरिएबल है, दिस इज द वेरिएबल अल्फा बाई आर, मतलब जैसे जैसे आप आर दूर जाते जाइएगा वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा। वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल, ये डिस्टेंस को भी मानना है, आर कहाँ से लेना है, इसकी डिस्टेंस को यहाँ से लेना है पी पॉइंट, आप यहाँ पर लिख सकते हैं पी इज द एनी पॉइंट। ठीक है, फाइंड द चार्ज ऑन ए बॉल, ठीक है, मतलब आपको क्यू निकालना है, फाइंड क्यू किस केस के, फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आउटसाइड द बॉल इज ए कॉन्स्टेंट। अब आपका क्यू का वो क्या वैल्यू होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आउटसाइड द स्फीयर आउटसाइड द बॉल, मतलब इस बॉल के बाहर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लें तो वह कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट हो जाएगा। मैं स्पीकर को थोड़ा सा और कलरफुल कर देता हूँ, क्या कह रहा है यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, कहता है कि भाई आप यहाँ पर आ जाइए, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ, यहाँ के आप कहीं पर भी ये डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम इट्स सेंटर ओ, कहीं पर भी बॉल के बाहर और इस नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो आपके पास क्या कंडीशन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इंडिपेंडेंट। यहाँ पर क्या देता है, इफ ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर देन व्हाट इज द चार्ज ऑन बॉल, तो आर से नहीं डिपेंड करना चाहिए, आप कहीं पर भी लीजिएगा ई का वैल्यू एक कांस्टेंट आ जाएगा।
चलिए उसमें चार्ज की वैल्यू आ जाएगी और कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस केस, और उस केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऑप्शंस के मुताबिक कौन सा होगा ये भी चूज करना है। कैसे मूव करेंगे भाई, आपको तो गॉस लॉ लगाना ही ना है, तो गॉस लॉ लगाइए, इसमें आपको कोई थोड़ी आपको दूसरा ऑल्टरनेट मिलेगा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है गॉस में क्यू इनक्लोजर बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाइए ई डी ए, ये कितना हो जाएगा अगर आप यहाँ अगर डी ए लेते हैं आर डिस्टेंस पर तो ऑब्वियसली 4πr2, इसे बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, कॉस 0 = 1 हो जाएगा। क्यू इनक्लोजर कितना होगा भैया, एक चार्ज पर ये बंद है तो ये क्यू हो गया प्लस, अब ये वाला चार्ज आपको चाहिए यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर की चार्ज हो गई, ये देखिएगा ये कौन सा आपको लेना है, इस जगह पर चार्ज लेना है जो मैंने आपको रेड कलर से जो आपको लाइनिंग शो किया है वो नॉन यूनिफॉर्म लाइनिंग उसके लेना। कैसे निकालेंगे तो आपको तो एक ही चीज़ ना पता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू स्मॉल वॉल्यूम इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, आर तक तो यूनिफॉर्म है और स्मॉल आर तक नॉन यूनिफॉर्म है, और इसको किस चीज़ से डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन, मतलब क्या हो गया, ये लॉजिक तो पुराना लॉजिक है पिछले प्रॉब्लम का, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू द लिमिट, लिमिट लेने में चतुराई बढ़ता गया है, क्यों आर तक तो यूनिफॉर्म है तो आर के बाद यहाँ तक, मतलब क्या हो गया इस जोन पर आ जाइए, इसी जोन का आपको लेना है, यहाँ तक का रेडियस क्या हो गया आर और यहाँ तक का क्या हो गया आर प्लस आर हो गया, उसी हिसाब से दिया गया आर और आर तक का दिया गया, उस जोन में कितना चार्ज इंक्लूडेड होगा और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया गया। थोड़ा यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटना, आराम से कीजिए 4πr2 ठीक है, क्यों तो आपकी जगह पर रह जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अल्फा बाई आर, इसको आप अल्फा बाई आर पुट कीजिए। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम लेंगे भाई, इसका ही लेना है ना, छोटा सा आप एरिया ले लीजिए, थिन सेक्शन बना दीजिए, इस थिन सेक्शन का थिकनेस डी आर ले लीजिए एट ए डिस्टेंस आर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, रो की तो वैल्यू लिख दिए वॉल्यूम 4πr2 दैट इज द सर्फेस एरिया इन टू डी आर दैट इज द वॉल्यूम, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल हो गया, और डिवाइडेड बाई क्या करना है बच्चे, एप्सिलॉन नॉट करना, और लिमिट क्या लेना है आर टू स्मॉल आर लेना है। कैलकुलेशन इससे करें थोड़ा बड़ा होगा लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4πr2 इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू तो रह ही जाएगा प्लस आ जाएगा आर 4πα, इस पूरे टर्म को ले लीजिए, एक आर से ये आर को काट दीजिए, आर डी आर बचेगा r² / 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये r² / 2 बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आर डी आर का इंटीग्रेशन लेंगे r / 2 और r से स्मॉल r एंड देयर आफ्टर एप्सिलॉन नॉट, इसको फर्दर सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 4πer² = q प्लस 4πα 2 से ये कट भी जाएगा तो ये 2α कर दीजिए बेटर 2πα। अब इसकी लिमिट पुट करेंगे तो r² - r² लिमिट पुट कर दिए r² - r² ठीक हो गया, और इस पूरे के संदर्भ को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें निकालना है इलेक्ट्रिक, आइए एक लाइन और भी चलते हैं 4πer², उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, q/ε0 इससे कर दिए, उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2πα/ε0 और यहाँ पर हो जाएगा r² - r², एक बार फिर से चेक कर लीजिए मैंने क्या किया, मैंने किया q को ε0 से डिवाइड कर दिया और सेकेंड टर्म में 2πα/ε0 r² हो गया। अब आपको R के टर्म को एक तरफ कर दीजिए, बची बचे हुए टर्म को कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे ताकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में मदद आ जाएगा। हम क्या करें, मेरे लिए क्या नज़र में आ रहा है q/ε0 और अल्फा और r² मिलेगा, एक काम कीजिए q/ε0 को रहने दीजिए, इसे तोड़ दीजिए क्या आ जाएगा 2πα/ε0 r², इसको मल्टीप्लाई कर दिए माइनस, एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए 2πα/ε0 कैपिटल आर, अब आप बेटर होगा कि आप सबको डिवाइड कर दीजिए किससे 4πr² से, दोनों तरफ अगर आप डिवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आइसोलेट हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आइसोलेट कर दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आइसोलेट हो गया, इधर कितना हो गया q हो गया 4πr²
आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, मैंने क्या किया 4 पाई आर स्क्वायर से इसको देखा, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और उसको भी जरा सा डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और इसको भी डिवाइड करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर, ये हमारे पास टर्म है। अब आपके पास क्या है, कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चे लोग, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 4 से ये कैंसिल होता है और 2 एप्सिलॉन हो गया, तो अल्फा बाई 2 एप्सिलॉन हो गया। इसको अगर हम लोग सेपरेट करें तो क्या हो गया अल्फा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और आर वाला टर्म कौन कौन हो गया क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस, इसमें भी कुछ कैंसिल कर दें बच्चे लोग, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको करते हुए 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इसको भी लिख दीजिए क्या हो गया अल्फा आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एंड आर स्क्वायर, दिस इज द सेकंड टर्म एंड दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 टर्म आ गया, एक टर्म में आर इन्वॉल्व है, दूसरे टर्म में नहीं है। तो अब ये कब ये कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये 0 हो जाए अगर, तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया, क्या आ जाएगा अगर ये टर्म 0 हो जाए, इस इक्वेशन 1 दे दीजिए और लिखिए आप यहाँ पर इफ क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस अल्फा आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, अगर ये टर्म पूरा के पूरा 0 हो जाए तब आपके पास क्या बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ आर, लेकिन इसकी इसको सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो सकता है क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कर लीजिए और उस टर्म को उस साइड कर दीजिए अल्फा आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आप आर स्क्वायर काट दीजिए, एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट काट दीजिए और 2 से इसके 2 काट दीजिए, अब आपके पास क्या हो गया 2 पाई इसका टर्म आ गया अल्फा एंड आर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। तो व्हाट शुड बी द चार्ज ऑफ द बॉल, किस बॉल की बात कर रहे हैं, इस बॉल की चार्ज कितना होना चाहिए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये टर्म तो 0 हो गया, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया अल्फा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अगर क्यू बॉल का इतना आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और यहाँ पर क्यू आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया अल्फा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ आर, तो आंसर को मिला ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया ये हो गया और चार्ज इनक्लोज कितना हो गया 2 पाई अल्फा आर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपने ये बेहतरीन क्वेश्चन को बना लिया है, हम मानते हैं कि ये क्वेश्चन अपने आप में लेवल है, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चन, मैं आपको बता दूँ कि ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, लेकिन ऑल टाइम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इसकी खासियत है ज़्यादा देखा जाए, एन अर्ली मॉडल ऑफ द एटम, यहाँ पर आ जाइए पहला लाइन ही इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है अर्ली मॉडल ऑफ द एटम, एटम क्या होता है पहली बार इलेक्ट्रिकली ऑल टाइम न्यूट्रल, मतलब नेट चार्ज 0, कंसिडर टू बी ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये तो होता ही नहीं किसी भी एटम में आ जाइए, एटम में क्या होता है इसके कोर क्या होते हैं दैट इज ए पॉजिटिवली चार्ज, और जो मॉडल का जो पहले का जो मॉडल दिया गया था उसमें क्या गया था प्लम पुडिंग टाइप का था, प्लम पुडिंग का मतलब क्या होता था कि दे ऑल आर सराउंडेड बाई थ्रू आउट द इलेक्ट्रॉन्स, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे बॉडी पर है, ये अर्ली मॉडल ऑफ द इलेक्ट्रॉन था, ये जानकारी के साथ ही ये प्रॉब्लम आगे बढ़ना है। तो इसके अंदर की जो चार्ज है वो कितना चार्ज दिया हुआ है जेडी पॉजिटिव है न्यूक्लियस की चार्ज, और इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा माइनस जेडी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर, ये बात मानते हैं ना, नेट चार्ज कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर माइनस जेडी, क्यों, क्योंकि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना है ना, तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन की टोटल चार्ज क्या हो गया जेडी हो गया, ओके वेरी सिंपल हो गया। सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ रेडियस आर, यस देयर इज अनदर पॉइंट, अनदर पॉइंट क्या कहता है बच्चे लोग कि आपको ये भी ध्यान देना है कि ये नेगेटिव चार्ज का रेडियस कितना है, तो दिस हैज ए रेडियस आर, ये बात देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये बात भी ध्यान देना विद इन द न्यूक्लियस पूछ रहा आपको, यहाँ पर आ गए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, यहाँ पर इस केस के लिए ध्यान देंगे आप लोग कि दिस आर मस्ट बी लेस देन आर, ये मॉडल में देना चाहिए, नहीं दिया तो मैं दे रहा हूँ, और इसके अंदर क्या हो जाएगा इनसाइड हो गया,
थोड़ा सा आप लोग आ जाइएगा इस लाइन पर कि हम इनसाइड को ही कंसीडर कर रहे हैं, अभी आउटसाइड पर मेरा कुछ भी नहीं। और अगर बात आउटसाइड की करें तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एक लाइन में समाप्त, देयर इज नो इनक्लोज चार्ज सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। माइंड कीजिएगा कि किसी भी एटम के बाहर देयर कैन नॉट बी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एटम के अंदर हो सकता है। क्यों हो सकता है कि अगर आप अंदर हैं तो पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, सो देयर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव पार्ट। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए कि वॉल्यूम चार्ज, अच्छा ये यूनिफॉर्म भी है ये बात आप देख रहे हैं, कंसीडर्ड टू बी अ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ ए स्मॉल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो ये भी देखिए सवाल का मतलब इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, टोटल चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेशन नहीं करना क्योंकि ये यूनिफॉर्म डेंसिटी है। चलिए पहले आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को निकाल लीजिए, किसका, निगेटिवली चार्ज का, तो इसका टोटल चार्ज कितना है माइनस जेडी और इसका वॉल्यूम कितना ले लेंगे 4/3 पाई आर। क्यों पूरे ही पूरे वॉल्यूम ले लिए, स्मॉल को छोड़ दिए, भाई न्यूक्लियस की साइज नेग्लिजिबल होते हैं कंपेयर टू द साइज ऑफ ए एटम, इसलिए छोड़ दिए, इसलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो गया -3 जेडी 4 पाई आर। ये आ गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निगेटिव जोन का। तो वॉट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ ए निगेटिव चार्ज 3 जेडी, ये चॉइस आप टिक लगा सकते हैं, -3 जेडी 4 पाई आर। चलिए एक छोटा सा पार्ट तो मेरा निकल गया। अब मेरा बात ये है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर बचे लोग, यहां पर अंदर आप आइए इस जगह पर पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी पॉइंट पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा और एरिया वेक्टर भी किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा इस पी पॉइंट के लिए। अब आपको कितना चार्ज चाहिए, सिर्फ ये चार्ज चाहिए, नेट चार्ज इसके अंदर कितना है आपको उससे मतलब है। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप इक्वेशन पुट कीजिए गॉस लॉ के मुताबिक, E डॉट A dA लेंगे, dA का कितना एरिया हो जाएगा, अगर हम इसकी रेडियस को स्मॉल r मान लें तो आपको कितना लिखना पड़ेगा 4πr² ऑब्वियसली cos 0° q इनक्लोजर। चलिए q इनक्लोजर कितना लेंगे, भैया ये पॉजिटिव चार्ज तो है ही dB, उसके साथ कुछ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, वह क्या हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू डीवी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। अब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डीवी किसका लेंगे, भैया जो चार्ज लॉक हुआ उसका ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड डीवी। तो यहाँ पर डीवी क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ निगेटिवली चार्ज इनक्लोज्ड, जो बंद हो गया है उसकी वॉल्यूम चाहिए। दो लाइन और लिखेंगे आंसर आ जाएगा आपके पास, ई 4πr² जेडी अपनी जगह पर आ जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपके पास आ चुका है, वहां से आप उठा लीजिए -3 जेडी एंड 4πr³ कैपिटल आर क्यू है, यहां पर ध्यान दीजिएगा 4πr³ 3 जेडी 4πr³। और डीवी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस इनक्लोज सरफेस, पूरा के पूरा इनक्लोज कितना हो जाएगा वॉल्यूम, तो दिस इज ऑफ कोर्स 4π³ एंड πr³ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, कुछ कैंसिल होगा आप ये भी अच्छी तरह समझ रहे होंगे, π π 4 4 3 3। अब आपके पास कितना हो गया जेडी माइनस जेडी, यहाँ पर भी है हमारा आंसर में जेडी कॉमन भी देना है, ओके कॉमन आप लीजिए, जेडी आपके पास आ गया। अब आपके पास क्या आ गया 1 माइनस जेडी बाहर आ गया, आर क्यू आ गया आपके पास डिवाइडेड बाई ये आर क्यू आ गया और साथ साथ एप्सिलॉन नॉट भी आ गया। मैंने कहाँ से लिया है आपको स्पष्ट देख सकते हैं, जेडी कॉमन ले लिया, यहाँ पर सिर्फ आर क्यू है, नीचे में आर क्यू आ गया, एक एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और यहाँ पर सारा कटने के बाद। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें ई, तो जेडी से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये तो जेडी हो ही जाएगा, आंसर के चॉइस के मुताबिक 4πε₀ भी है, एप्सिलॉन भी हो गया 4π भी हो गया और ये एप्सिलॉन नॉट जो आ रहा है, ठीक है। अच्छा जेडी में एप्सिलॉन नॉट दोनों को डिवाइड करना ये पूरा के लिए, तो आपके पास सही है सीरल नॉट मैंने पूरा ले लिया यहाँ पर कॉमन। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए किस से 4πr² से, आपको किस चीज़ से करना, 4π तो आ गया आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, 1 को आर स्क्वायर से करेंगे और फिर आर स्क्वायर से उधर भी कर देंगे, तो 1 को हमने आर स्क्वायर से डिवाइड किया और एक आर स्क्वायर से इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा r/ एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ आ गया ना, एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ आ गया है आर क्यू, ये हो जाएगा r/r³ दैट एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ गया है
वन को आर स्क्वायर से डिवाइड किए और उसी को आर स्क्वायर से देंगे तो आर क्यूब में एक आर कट बचेगा, बाकी आर क्यूब बचेगा। इसके ऑप्शन से मिला ये कौन सा था, जेडी 4π ε0, ये चॉइस आपका था। तो दिस इज आ गया आपके पास। अगर हम इसमें एक ऑप्शन और दे दें कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द एटम, तो दिस इज ऑल टाइम जीरो। क्यों? क्योंकि देयर इज नो नेट चार्ज ऑन एनी एटम व्हिच इज अ न्यूट्रल ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस देयर इज अनदर क्वेश्चंस ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। क्या कहता है, एन इनफिनिटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर हैज अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। आइए मैं इस पर चर्चा करना स्टार्ट करूं। कहता है एक बहुत बड़ा सिलेंडर है, ये बात को आप ध्यान दीजिए, सामने में दिया हुआ लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, ये हमने लॉन्ग दिया, इसे भी ब्रोकन लाइन दिया और लॉन्ग। क्या कहता है, इसके पास पूरा चार्ज दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह, और यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सब जगह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते जाएंगे, इट हैज ए रेडियस आर, तो इसका मतलब हो गया इसके सेंटर से इसकी दूरी कितना हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आर हो गया। स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस आर बाई टू, मतलब एक कैविटी है जो कि आर बाई टू की है, इसकी कैविटी ले लीजिए और ये कैविटी का रेडियस जो हो गया इस रेडियस का हाफ हो गया, मतलब इसके सेंटर से इसकी दूरी क्या हो गया आर बाई टू, तो देर ये कैविटी काट के निकाल दिया गया। कैविटी कैसा है, कैसा नेचर का बनेगा, इट इज ए स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस आर बाई टू विथ इट सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ ए सिलेंडर, तो इसकी भी सेंटर क्या है एक्सिस ऑफ ए सिलेंडर। यहाँ तक भी समझ में आ गया। कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस टू आर। अब आपसे कहता है कि यहाँ पर आ जाइए एंड दिस डिस्टेंस इज टू आर, एक पॉइंट पी है और ये डिस्टेंस आपके पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी टू आर, ये तीन पॉइंट टू आर फ्रॉम द सिलेंडर इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जो कि उसके सेंटर से टू आर के डिस्टेंस पर है ऑन स्टेट लाइन। वेरी अच्छा क्वेश्चन आपको आया। इसके कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के पहले मैं पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन बताया था आपका कि किसी भी दिए गए सिलेंडर के लिए, आप वहाँ पर चले जाइएगा पिछला जरूर देखने चले जाइएगा, गॉस लॉ का सिंपल फॉर्मूला का डेरिवेशनल में, तो मैं आपको बताया था कि किसी भी दिए गए सिलेंडर में, आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, दिए गए सिलेंडर के अंदर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आएगा और व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर पे आएगा, उसकी चर्चा हम किए थे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सिलेंडर बिहेव्स एज ए लाइन चार्ज, सिलेंडर बिहेव्स एज ए लाइन चार्ज, और अगर ये लाइन चार्ज है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, लैम्डा टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर उसकी डिस्टेंस हो जाएगा जो कि यहाँ पर टू आर। लीनियर चार्ज डेंसिटी था, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, लीनियर चार्ज डेंसिटी में तो आपकी प्रॉब्लम नहीं ना बनेगा, आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ था, आप क्या कीजिएगा लैम्डा को लिख लीजिए, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पर अब आप इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ एरिया से डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों कर दीजिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नीचे कितना टर्म्स आ रहा है उसको पूरा लिख दीजिए, टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला का क्या रूप लेता है, चार्ज एरिया किसका है, आप इसकी एरिया ले रहे हैं, ये एरिया है, क्योंकि चार्ज तो इसी एरिया पर ना, इसके बाहर थोड़ी है, हमारे इस टू आर पर थोड़ी चार्ज है, तो चार्ज आ गया इंटू एरिया, चार्ज इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया मतलब वॉल्यूम और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, इसका मतलब दिस इज योर रो, बगल में क्या हो गया ए हो गया, ए क्या हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए सिलेंडर, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर, यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नीचे क्या शेष बच गया, टू पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर बच गया, ये एक फॉर्मूला हो गया आउटसाइड द सरफेस के लिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना है तो यहां हो जाएगा, और अंदर निकालना है तो उसके लिए क्या बताया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, किसके लिए हो गया, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, जब आप इसके रेडियस से बाहर चले जाते हैं तब आउटसाइड के लिए हो गया। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, थोड़ा सा
कुछ और भी फर्दर कैलकुलेशन होगा, लेकिन आप निकाल सकते हैं। चलिए पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड को टारगेट कीजिए। मैं टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। टारगेट करने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अब हमको गॉस लॉ का नहीं अप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि गॉस लॉ का अप्लाई यहाँ निकालने वक्त कर चुके थे। फिर से एक बार देख लीजिएगा, वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई द गॉसियन, क्योंकि सिलेंडर के कारण डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप सिलेंडर के कारण डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए। मेरे पास क्या आ गया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर। आर क्या लेना है, इस पॉइंट से इसकी एक्सिस से इसकी दूरी। तो ये एक्सिस से इसकी दूरी कितना है बच्चे लोग, आप ही बताइए कितना ले लें। तो दैट इज 2 आर ले लिया। और ए क्या ले लेंगे, वॉट इज ए, ए के जगह पर तो आप जानते हैं टॉप क्रॉस सेक्शन एरिया, और टॉप क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। आप पूरा इसका नहीं लीजिएगा, गॉसियन का नहीं लेना, आपको सिर्फ टॉप का लेना है, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन पर चेक कर लीजिए। अब आप क्या कीजिएगा भैया, ये तो पूरे सिलेंडर के लिए निकालिए ना, आपका तो कटआउट निकल के बाहर हो गया, तो कितना एरिया को आप घटा दीजिएगा, इस वॉल्यूम के बराबर के चार्ज को आप घटा दीजिए। ये कैसा नेचर का है, दिस इज ए स्फीयर हो गया, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाना पड़ेगा, किसके कारण, स्फीयर के कारण। चलिए मैं थोड़ा सा इसकी और कैलकुलेशन करता हूँ। अब क्या हो गया, रो पाई, इसमें कुछ कैंसिल भी हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, रेडियस से ये रेडियस कटेगा। अब आपके पास क्या आ जाएगा, उसको नोट कर लीजिए, रो आर, वेरी गुड, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 की जगह पर 4 कर दीजिए, 4 एप्सिलॉन नॉट। फिर से आप चेक कर लीजिए, रो आर 4 एप्सिलॉन नॉट एंड द टी भाई बताइए 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस, यहाँ पर रो हो आर हो गया, रो आर हो गया 2 और 2 4 हो गया, एप्सिलॉन नॉट एक रेडियस आपका कट के ऊपर आ गया। अब ई एस फेयर कितना देंगे, कैसे निकालेंगे, तो भैया इसकी तो हम आपको बता ही चुके हैं ना, कौन सा इक्वेशन होता है, 1/4 pi epsilon naught, किसी भी स्फीयर के लिए क्या होता है, खुद की चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से आता का 2 r का स्क्वायर, और खुद का चार्ज अभी हमने नहीं दिया। तो इस स्फीयर के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, किसी भी दिए गए अगर स्फीयर के बाहर में है तो 1/4 pi टोटल चार्ज, किस पर, इसकी चार्ज क्यू मान ले रहे हैं, ये स्फीयर, और ये भी पॉजिटिव, और डिस्टेंस कितना पर है, 2 r का। अब इसको निकालते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 4 epsilon naught माइनस आ जाएगा, 1/4 pi epsilon naught आ जाएगी, और ये 4 r² भी आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगी। नाउ व्हाट इज द क्यू, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्यू का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है इसका, क्या हमने इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आप यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे दीजिए, और किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके वॉल्यूम से, उसकी वॉल्यूम कितना हो जाएगी बच्चे लोग, मैं समझता हूँ आप समझ रहे होंगे, 4/3 pi, इसके रेडियस का, इसका रेडियस क्या, r/2, तो ये कितना हो जाएगा, r², और उसका हमें क्या करना, क्यूब लेना है, तो r³ हो जाएगा ना बेटा, ये हो जाएगा r³, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये बात आप ध्यान से रखिए। फिर से आ जाइए, मैंने क्या किया, मैंने किया कि इस 1/4 pi epsilon तो अपनी जगह पर आ गया, 2 r की जगह पर 4 r² आ गया, ये भी ठीक आ गया, क्यू वॉल्यूम डेंसिटी, डेंसिटी रो तो डायरेक्ट दिया हुआ, वॉल्यूम 4/3 pi r³ किसका, स्मॉल r/2 का, तो r³ 8 हो गया। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो बहुत सारे चीज आपका इसमें कटेगा और फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दिस इज रो आर 4 epsilon naught, आप इसको करते चले जाइए, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 और ये दोनों कटेगा, 6 आ गया, ये पाई से पाई कट जाएगा, ये r² से, ये r³ से, ये r आ जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया, आप स्पष्ट लिख सकते हैं, रो आ गया, एक वैल्यू r आ गया, और यहाँ पर आपके पास 6 आ गया, 6 नीचे हो गया, 4 नीचे हो गया, और यहाँ पर 4 एक बार नीचे हो गया, इसके साथ साथ एप्सिलॉन नॉट भी आ गया, ये वैल्यू आपके पास आ गया। अब आपको इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, और जब सिंप्लीफाई करके आप मैच कराते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रो r 4 epsilon naught को आप पूरा के पूरा कॉमन ले लीजिए। मैंने क्या किया, रो आई 4 epsilon ले लिया, तो मेरे आपके पास क्या बच गया, 1 minus 24 आ गया, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे लोग, रो आर 4 epsilon naught आ जाएगा, और ये 23/24 आ जाएगा, दिस इज 23/24 आ जाएगा। अब आपके पास रो आर 23 हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब आपका आंसर से कुछ देखिए क्या, 16 देना है, तो 16 देना है तो कितना हो सकता है, इसको हम लोग 4 × 6 कर सकते हैं, तो दिस 4
यहाँ 4 एप्सिलॉन नॉट दे दीजिए, एक 4 कर दीजिए और 6 कर दीजिए, 4 जो 16 हो जाएगा। अब आपके पास फॉर्मेट एकदम एग्जैक्ट आ गया, क्या आ गया आप उससे मैच कराइए, 23 रो आर, ये देखिए 23 रो आर, 16 के एप्सिलॉन नॉट, 16 आपके वर्ड के मिसिंग है, तो के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर के कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, 16 एप्सिलॉन नॉट है ना, के जगह पर क्या वर्ड बच गया, 6, 6 इज द आंसर। और ये आईआईटी एडवांस से क्वेश्चन लिया गया था, इस बात को भी आप नहीं भूलेंगे, बल्कि आपको ये भी मैं जानकारी दे दूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाया है सभी के सभी आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट का बढ़िया आ जाए। जब आप बोर्ड के एग्जाम देने जाते हैं तो इनमें से एक भी प्रश्न को रिवाइज करके जाने की जरूरत है, और जब आप आईआईटी के एग्जाम देने जाते हैं तो इनके हर प्रश्नों पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यही आपकी जीत की स्ट्रेटेजी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस वन मोर क्वेश्चन, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहता है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो इसके लिए फिगर को आप ट्रेस आउट कीजिए। नाउ आई गिव दिस टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, हैविंग ए यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ भी अच्छा है, कोई इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म। रो ए स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस बी, तो कोई स्फेरिकल कैविटी बी है, यहाँ पर स्फेरिकल कैविटी इसके अंदर काट दी, ये इसकी सेंटर, कहीं पर भी हम लोग ले सकते हैं इसकी बात की वैल्यू को, थोड़ा सा इसको हम लोग इस साइड कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट अस सपोज स्फेरिकल कैविटी हो, इसकी सेंटर कैविटी का रेडियस क्या देता है, रेडियस बी, बहुत अच्छी बात है। हुज सेंटर लाइज एट आर इज इक्वल टू ए, तो हुज सेंटर कहाँ पर लाइज आर इक्वल टू ए इज रिमूव फ्रॉम द स्फीयर, तो इसकी सेंटर का कितना दूरी दिया हुआ, आर इज इक्वल टू ए, ये पॉइंट दिया हुआ आपके पास। इसके रेडियस भी आपको ध्यान से देखिएगा तो रेडियस तो दिया ही हुआ होगा, इस पर कोई शक नहीं है, ए इज रिमूव फ्रॉम द स्फीयर, तो इसकी खासियत क्या दिया हुआ कि दोनों के सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस क्या है, इसकी रेडियस बी है, बाद में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दोनों का सेंटर जिसको ये हो गया ओ और जिसको काट के निकाला गया ओ डैश, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ए हो गया। उस सेंटर लाइज एट ए डिस्टेंस आर इक्वल टू ए इज रिमूव फ्रॉम द सेंटर, उसके सेंटर से हटा दिया गया। कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, इसके कैविटी के अंदर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालेंगे, और पूरे प्रोसेस में क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पर ये बात भी मान के चलना है कि ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। चलिए हम लोग इसे बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, लेकिन बनाने के पहले मैं आपसे कुछ स्पष्ट रूप से चर्चा करूँगा जो पिछले वीडियो के द्वारा हो चुका है, लेकिन यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ रही है कि भाई अगर आपके पास कोई भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे का, और इसके अंदर अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था आपको याद होना चाहिए, रो आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर, किसी भी डिस्टेंस पर, किसके लिए, जबकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर और अंदर की बात। अब आ जाइए भैया इस बड़े वाले स्फीयर के लिए भी कहीं का भी पॉइंट लीजिएगा, आपको इस पे कहां निकालने के लिए कह रहे हैं, इज रिमूव फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कैविटी, आप ध्यान दीजिएगा देयर इज इन साइड द कैविटी। अब मैं आपको आता हूँ बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेके, मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को ले लिया इन साइड द कैविटी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो किसके कारण निकालना है, आप यहाँ पर आ जाइए, एक इसको मिला लीजिए पूरे चार्ज से इसकी दूरी, ये दूरी को आप ले लीजिए एक्स पे, इस दूरी को मैंने मान लिया एक्स दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक इसको वेक्टर का साइन दे लीजिए, उससे लेके इस पॉइंट में ये पी पॉइंट दे दिया आपने, पी पॉइंट दे दिया, तो भैया पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस पॉइंट में आपको काट के हटा भी दिया गया, और कितना हटा दिया गया, ये वाला, तो इसके कारण कितना माइनस होना पड़ेगा, ये वाला आपको वेक्टर का माइनस होना पड़ेगा। इस वेक्टर का हम नहीं नाम जानते, तो क्या मान लें, लेट अस सपोज इट इज वाई, इसकी वाई वेक्टर ले ली और इसकी एक्स वेक्टर, एक बार फिर से आ जाइए, पी इज ए पॉइंट, मैंने क्या दिया, पी इज अ पॉइंट, चलिए कौन सा पॉइंट है, इनसाइड कैविटी, इनसाइड कैविटी, ठीक है, क्या काम करना है यहां पर, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, स्पष्ट रूप से आप देख लीजिए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर निकालने पर
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकालना पड़ेगा, होल स्फीयर के कारण, जो फॉर्मूला आपका दिया गया है रो आर वेक्टर थ्री एप्सिलॉन का, लेकिन उसमें से इतना का माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि काट के निकाल दिए थे, तो क्या करना पड़ेगा ई कट आउट। ये दोनों को ध्यान में रखते हुए ये सवाल बन जाएगा और वो भी वेक्टर के साथ चलना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर में आपके पास। आइए हम लोग बात करते हैं ई एज ए होल कितना हो जाएगा, मैंने जो वो फॉर्मूला दिया रो आर क्या देगा, यहां से यहां तक का कितना दूरी है एक्स है, आप एक्स पुट कर दीजिए वेक्टर दीजिए डिवाइडेड बाई थ्री इसी तरह, कोई डाउट माइनस कटआउट के कारण माइनस है, एक बात याद रखिएगा कटआउट के कारण है, दूसरा रहता तो प्लस हो जाता है। अब कितना रिमूव कर लिया और ये भी क्या है इस स्फीयर के अंदर में है तो वही फॉर्मूला लगेगा रो हो जाएगा, कितना दूरी पर है इससे बच्चे लोग तो ये वाई दूरी पर है, तो आप वाई दीजिएगा डिवाइडेड बाई थ्री इसी तरह, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कटआउट का भी तो उतना ही था, अब इसमें से कुछ कॉमन ले ले तो कितना जाएगा थ्री एप्सिलॉन नॉट, और मेरे पास क्या बचेगा वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर वाई, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पी पॉइंट। लेकिन इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं कैसे इस वेक्टर में आ जाएगी आपके पास, देखिए कैसा वेक्टर, एक ऐसा है और एक ऐसा है, इस वेक्टर पर आइए, इस दूरी को मैंने क्या दे रखा है एक्स, इस दूरी का डायरेक्शन क्या दे रखा ध्यान से देखिएगा इस दूरी को वाई, और ऐसे करके जो हमने ये लिया है वो कौन सा वेक्टर है इस वेक्टर को आर इज इक्वल टू ए, मतलब आर ही लेना है लेकिन उसका नाम क्या है ए लेना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आइए ट्रायंगल रूल प्रॉपर्टी से चलिए, ये देखिए क्लोज है, कैसे कैसे वेक्टर लेंगे, किसी भी वेक्टर के तीनों साइड्स का वेक्टर समेशन क्या होगा जीरो, ये हम लोग वेक्टर में पढ़े तो इसका इस दिशा में जा रहा है वो क्या हो जाएगा एक्स पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव ये उल्टा हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो गया, और फिर ये भी उल्टा हो गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस आर, और आर की जगह पर माइनस ए वेक्टर है, और तीनों को जोड़ देंगे तो जीरो हो जाएगा। आपके पास क्या चाहिए एक्स माइनस वाई चाहिए, एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा ए वेक्टर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं रो थ्री एप्सिलॉन नॉट ए वेक्टर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। ए क्या शो करता है कि ए तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन शो क्या आता है ए की दिशा में, ए किधर से है आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चला जाएगा इसकी दिशा में, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों समझ गया मैं, क्योंकि मैं ये समझ सकता हूं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द ए वेक्टर डायरेक्शन, ए वेक्टर का कौन सा डायरेक्शन है यही नहीं, ये तो एक्स है और ये वाई है सीधे उस साइड में आ गया, तो दिस इज योर आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी कहेंगे उतना कम है। तो इसका मेन मर्म क्या था कि भैया आपको किसी भी स्फीयर के अंदर का अगर लेना, बाहर आता तो क्या हो जाता पूरा बदल जाता है, तब इसे हम लोग एक स्फीयर ट्रीट करते हैं और सिंपल वे में बना लेते हैं, लेकिन जिस समय ये अंदर आ गया उस समय आपको रो आर थ्री एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करना, और वही सिलेंडर रहता तो क्या हो जाता उसमें हो जाता रो आर डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने पिछले वीडियो में गॉस थ्योरम का डेरिवेशनल पार्ट में पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी से ही ये प्रॉब्लम लिया गया और इसकी थ्योरी को भी मैंने गॉस लॉ में डिस्कस कर दिया। क्या कहता है ए वेरी लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, आप यहाँ पर यू कैन सी देयर इज ए वेरी लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब क्या हो गया कि लाइन चार्ज पर आप फॉलो अप लीजिएगा, तो लाइन चार्ज का जो आपका इक्वेशन था उसको फॉलो अप करना विद ए रेडियस आर, इसकी बात मतलब हो गया क्या हमारे पास हो गया ये लाइन की रेडियस सेंटर से इसके पेरिफेरी तक की रेडियस आर हैज ए होल विद इन द रेडियस, विद इन रेडियस ए विथ रेडियस ए वोड अलोंग इट्स एंटायर लेंथ, यस क्या कहता ध्यान से देखिए इसके अंदर एक आपको और सिलेंडर कर देना है, कैसा हॉलो सिलेंडर, हॉलो काट के निकाल दिया मटेरियल को रिमूव कर दिया गया और ये लंबा वाला भी है इसको भी पूरा रिमूव हो जाएगा, आपने देखा ये हॉलो सिलेंडर और इसकी रेडियस कितना कह रहा है इट हैज ए रेडियस ए, तो इसके लिए आपके पास क्या दिया हुआ इसकी रेडियस ए, ए इक्वल टू रेडियस ऑफ द बोर्ड इनसाइड सिलेंडर, बढ़िया बात है कि भैया जो आपने काट के हटाया है उसकी सिलेंडर की रेडियस ए, चल ठीक कहता है। उसके बाद कहता है द एक्सिस ऑफ द होल इज एट ए डिस्टेंस बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ
फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए सिलेंडर, ये बात भी आपको ध्यान देना है। तो अब इस पर देखना है कि दोनों से जो हटाया गया है उस दोनों की एक्सिस की दूरी कितना है बी। अब इसके अब टॉप व्यू को देखें, टॉप व्यू, मैंने इसके टॉप व्यू को ऐसे बना दिया, किसकी टॉप व्यू, सिलेंडर का, ये वाला उसकी एक्सिस का हो गया, ये वाला जो पॉइंट हो गया हमारा ओ, इसको ले लिया ओ, और जब इसके पॉइंट की जो सेंटर लेते हैं यहाँ पर ले लीजिए इसकी पॉइंट, और इसकी दूरी को कितना दे रहा है, दोनों के दोनों बीच की दूरी को बी डिस्टेंस दे रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन, ये ओ हो गया और इसके सेंटर को ओ डैश दे दिए तो ये ओ डैश हो गया। एंड अकॉर्डिंगली वो जो कटआउट के सेंटर है, ओ डैश क्या है, सेंटर ऑफ इट्स कटआउट, ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सिलेंडर, दोनों को ले लिए। चलिए अब क्या कहता है कि इसके कटआउट पे, मान लीजिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखिए, ऐसे ये कटआउट हो गया, इस बड़े से काट के यहाँ पड़ा। अब क्या कहता है इसमें कि जेट ए डिस्टेंस बी दोनों का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, तो दोनों के बीच का इसका सिलेंडर और इसकी एक्सिस दोनों के बीच की बी दूरी पर है। वेयर ए, ए क्या है, ए इज द रेडियस हो गया, ए बच्चे लोग इसकी क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, बी इज ग्रेटर देन ए, फोर्स हो जाएगा, एंड दिस इज ग्रेटर देन आर, तो ये आपको ध्यान रखना है, आर इज ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन आर, यहाँ पर भी टॉप पर दिया हुआ। अब क्या करें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है इसलिए इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और कहाँ पर निकालना है, इनसाइड द होल, और ये आपको बहुत ईजी कर देता है, इनसाइड द होल करके मतलब कहीं पर भी आ जाइए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही टाइप जो पिछला बार देखे थे, इनसाइड के लिए इसको आप एक्स ले लीजिए पहला वैक्टर को, जहाँ पर निकालना वो पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट की दूरी को कितना ले लीजिएगा वैक्टर के दिशा में, वाई हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर का वैल्यू बी दिया हुआ है। तो कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, सिंपल क्या निकालने कह रहा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी, दो के कारण निकलेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकलेगा, होल सिलेंडर, बेहतर, और दूसरा कौन से माइनस हो जाएगा, कटआउट के लिए ई माइनस पे हो जाएगा कटआउट, माइनस साइन इसलिए कि ये वाला काट के निकाल दिया गया, प्लस साइन इसलिए कि ये सारा पॉजिटिव चार्ज। अब इसको फॉलो करना है, क्या करें, तो इसके लिए मैं आपको एक इक्वेशन बता दूं कि किसी भी सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सिलेंडर क्या होता है, रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, थ्री एप्सिलॉन नॉट स्फीयर के लिए होता है और टू एप्सिलॉन नॉट सिलेंडर के लिए। चलिए फॉर्मेट लिख लीजिए, क्या लिखे बच्चे लोग आप ही बताइए, किस पॉइंट पर निकालना है ना, पी पॉइंट पर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स हो गया, सेंटर से उसकी दूरी हम लोग लेते थे, इसमें भी क्या आर, सेंटर से उस पॉइंट की दूरी, तो सेंटर से इस पॉइंट की दूरी पी है, क्या लिखे हम लोग, रो एक्स वेक्टर को आप देना पड़ेगा ना, ये एक्स वेक्टर है डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट, माइनस कटआउट के कारण क्या ले लेंगे, ये वाला लेना पड़ेगा, रो तो रहेगा ही, वाई भी रहना पड़ेगा डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल किए हैं, कहीं अगर गॉस लॉ नहीं लगाए, गॉस लॉ का क्यों है यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं भैया, ये इक्वेशन जो आया था लॉन्ग लाइन चार्ज का गॉस लॉ का ही तो था, हमने डायरेक्ट एप्लीकेशन इसका कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा बच्चे, रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट ले लीजिए और आपके पास वेक्टर आ गया एक्स माइनस वाई, इक्वेशन वन पुट कर दीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रेडी हो जाइए वेक्टर फॉर्म। अब आप इस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज को ये देखिए, एक ये वाला दिया हुआ आपका, दूसरा कौन सा दिया हुआ है, एक आपका ये दिया हुआ है, और तीसरा कौन सा दिया हुआ है आपके पास, एक और आ जाइए, एक ये दिया हुआ है, तीन कलम पर दिया, ये एक्स है, ये वाई है और ये बी वेक्टर, और ये क्लोज ट्रायंगल भी है, क्लोज ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के मुताबिक लिखना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक पहला एक्स वेक्टर है, एक्स वेक्टर पॉजिटिव, ये उल्टा दिशा में है माइनस हो जाएगा वाई वेक्टर, और ये भी क्लोजिंग के उल्टा दिशा में है माइनस बी वेक्टर, मस्ट बी जीरो, इसलिए बी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स माइनस वाई वेक्टर, इसलिए एक्स माइनस वाई के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, रो टू एप्सिलॉन नॉट एंड ऑब्वियसली बी वेक्टर एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में, बी दिशा में हो गया, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी के डायरेक्शन में, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में अलोंग द बी डायरेक्शन, इसको आप चाहिए तो लिख सकते हैं अलोंग बी डायरेक्शन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग बी, यहाँ पर दिया हुआ है यूनिट वेक्टर बी डायरेक्शन। इस तरह से आपके पास कटआउट के निकालने का हो गया,
लेकिन पहला प्रॉब्लम है, मैंने ये भी बताया था कि सिलेंडर के बाहर में जाएंगे तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे। दिस फॉर्मूला कहाँ तक के लिए वैलिड है, मैं एक बार फिर जोर से लिख दूँ कि ये इनसाइड तक के लिए है, और आउटसाइड के लिए क्या है मैंने निकाल के आपको बता दिया था। आउटसाइड डिस्कस्ड, डिस्कस्ड का मतलब मैंने किया, अभी ये किया, इसी प्रॉब्लम के जस्ट दो प्रॉब्लम पीछे किया था, और हाँ डेरिवेशन के समय भी गॉस लॉ में मैंने किया। तो आज का प्रॉब्लम हम लोग का एक अच्छा कलेक्शन हो गया। नेक्स्ट क्लास के वीडियोज में भी मैं आपको गॉस लॉ का एप्लीकेशन समझाऊंगा और बहुत से बेहतर ढंग से समझाऊंगा। उम्मीद करते हैं आप इस पूरे प्रॉब्लम्स में इंजॉय किए होंगे। टफ लेवल की ही प्रॉब्लम्स हुई थी, आईआईटी जेई मेंस और एडवांस लेवल की प्रॉब्लम की चर्चा हुई थी, बोर्ड के लिए इसमें बिल्कुल भी स्थान नहीं था। लेकिन कॉन्सेप्ट है, बोर्ड भी है, कॉन्सेप्ट है, जेई है, कॉन्सेप्ट है, तो मेडिकल्स भी है, उसी के दर पर आप कोई भी बढ़िया एग्जाम्पल को अच्छे रैंक के साथ निकाल सकते हैं। चलिए इस बात के साथ आज का वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप इंजॉय किए होंगे, रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयारी कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।